स्टार्ट हो गई है बॉनफायर एंड ये मेरा भाई है ऐसे उठा के ले और हम इधर इधर भाई ये है लगा ले करके आगे ये है बैड एलिमेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी बिजनेसमैन से कोई नहीं देखेगा बिजनेसमैन बोल सकते हैं ना तू हाय ये बिजनेसमैन है कुणाल हाय हाय कुणाल द बिग कुणाल द बिग हम चकुतला हॉस्पिटल का मालिक हम बेरोजगार चकुतला हॉस्पिटल का इकलौता मालिक नहीं नहीं इकलौता वारिस ये जॉयदीप ने गलत अफवाह फैला रखी है और ये हमारे भाई बढ़िया बनाइए जो भी बने गलत सही का बता दीजिए ये हमारा वीजा रिजेक्ट क्या बात कर लो यार मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो बंदा है वीजा रिजेक्ट कनाडा के लिए प्रणव अरोड़ा ये बंदा है पूरे ब्लॉग में ये बंदा कोरे से कराता है यार मैं रिजेक्ट हो गया ब्लॉग इंग्लिश बोल दी वो बोल रहे थे पंजाबी बोलो पंजाबी इससे पूछा गया हाउ आर यू उन्होंने इसको बोलना चाहिए मैं पाई बधिया तो आज है डे टू हमारा जेबी में एंड हम हो गए हैं सब ऑलमोस्ट सब तैयार मतलब मैं तो नहा चुकी हूँ सबसे पहले मैं ही नहीं आज जाने की बात हो रही है जलोरी पास अब बहुत टाइम हो चुका है पता नहीं जलोरी पास हम जा पाए ना जा पाए वरना हम कहीं और जाएंगे कुछ और देखेंगे और फिर कल हम वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे 3 दिन का ये ट्रिप था और अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता अगर जलोरी जाते हैं तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज हम या तो चाइनीज टेम्पल या फिर नेशनल पार्क सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन हाँ भाई कैसा चल रहा है सब बहुत बढ़िया ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा व्यू है पहले नीचे जाएंगे झील देखेंगे तो वो तो एंड में बोलेंगे पहले नीचे जाएंगे झील देखेंगे फिर वापसी बड़े वाले कट से आगे 360 व्यू एंड देन रिया बैक साक्षी क्या हुआ वो वाली लाइन जो पारस ने बोली थी वो अरे नहीं यार फील नहीं आ रही दिल्ली का ऑडियंस सोच मुझे उल्टी आने वाली थी नहीं अभी भी आई एम सिक इसलिए ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं अगर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए तो हमारा जलोरी पास का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है 5 किलोमीटर का ट्रैक है अब देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा लेट्स सी अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ट्रैक काफ़ी प्लेन है तो अभी चलने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है एज सच ये भाई खाई नीचे देखने में भी डर लग रहा है बट ये बैग एक्सीडेंटली आ गया तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम एक टाइम पे एक ही बंदा चल सकता है क्योंकि ये जो रोड है बहुत ही ज़्यादा पतला है हालत बहुत ख़राब हो गई है अब ख़त्म नहीं हो रहा है ट्रैक पता नहीं क्यों हम 11 लोग हैं आगे 2 लोग जा चुके हैं उनके पीछे हम दोनों लड़कियां हैं हमारे पीछे लड़के रह चुके हैं इसका मतलब वुमेन पावर और वो थक गए हैं चढ़ाई सीढ़ियां अजीब सा रास्ता आसान नहीं है यहाँ तक पहुँची तो ऐसा लग रहा है यार मेरा गलती कर दी मैंने आके अब ऊपर अगर मेरे को व्यू अच्छा नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊँगी ऊपर पहुँच के हर्षु की हालत बहुत ख़राब है उसकी काफ़ी हार्ट बीट तेज हो रही है कि वो बहुत पीछे है और हम धीरे धीरे चल रहे हैं लेट्स सी कितना किलोमीटर है क्या 2 घंटे तो हो गए होंगे फाइनली बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रोड था बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने में तो अच्छे से मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को डर लग रहा था इसलिए फाइनली लेक दिख गया है और समझ नहीं आ रहा लेक ही व्यू है या कुछ और है ये नॉर्मल सा व्यू के लिए मैं इतना चढ़ी अगर मुझे पता होता तो मैं नीचे ही पानी गड्ढा खोद के पानी डाल देती तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे पारस का इंटरव्यू लेंगे कैसा रहेगा पारस भाई हम तो बहुत देर से बैठे हैं तो हम आगे मंदिर भी होके हां मंदिर जा सकते हो तुम आगे मंदिर बट हम सबने अंडा खाया सुबह तो इसलिए हम अंदर नहीं गए बाहर से जोड़े ये है बर्फ का पानी रास्ते में नहीं है बर्फ फुल बर्फ 15 मिनट के बाद हमारा एक साथी आता हुआ दिखा जो है कुणाल एंड हालत उसकी बहुत टाइट लग रही है अब इसे कुणाल दिखा है हर्षु प्रतीक जो है और भी 3-4 लोग नहीं दिखे फाइनली सारे ग्रुप के मेंबर आ गए यार बहुत ज्यादा सब लोग आ गए सब लोग कैसा लग रहा भाई रिशांत बहुत बढ़िया व्लॉग हाउ सी जोश आ गए यहाँ आके दिखा ना यहाँ आके भाई आ गए सारे के सारे पहुंच गए यहाँ स्वर्ग देख लिया है बस
बस बहुत है। तो ऊपर ये मंदिर है, इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, बहुत लोग मानते हैं मंदिर को, बहुत ख़ास मंदिर है ये। मंदिर के यहाँ से ये व्यू है। अब हम नीचे की ओर स्टार्ट कर रहे हैं चलना, पर अब थोड़ा सा कुछ खाएंगे नीचे जाके। तो 500 मीटर्स के बाद हमें हल्का सा लंच ब्रेक लिया है, एनर्जी लेते हैं और चलते हैं। भाई हम जा रहे हैं वापस, अब हो गया हमारा, हम जा रहे हैं 360 देखते हैं। मैं और ये देखो सामने भगता हुआ एक ना, तो इसको बड़ी खुशी हो रही है। अब इसको 360 180 116 सब चाहिए। अंधेरा होने वाला है, अंधेरे से पहले पहले उतरना वरना कुछ भी नहीं दिखेगा। फ्लैश लाइट ही काम आएगी, वो भी बहुत कम। तो ये बहुत रिस्क हो गया, मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया। सनसेट हो रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, अच्छा लग रहा है। गलती हो गई है, गलत रास्ता पकड़ लिया है, ऊपर जाना नीचे चले गए। बहुत गंदी चढ़ाई है, हाइट भी बहुत बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है, अंधेरा हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, हालत बहुत ख़राब है भाई। पूरी खड़ी चढ़ाई है, पूरी हालत ख़राब है, रोना आ रहा है। अब तो रो दूंगी ऐसा लग रहा है। ये 360 तो नहीं पहुँची अपने, थोड़ा सा हिम्मत, वैसे भी चढ़ाई भी नहीं होगी इतनी। तो ऐसा लगा अर्शु ऊपर चढ़ के, हालत खराब हो गया। क्या हो गया बेटा, स्वर्ग देख लिया? स्वर्ग यही है, यही अब नरक जाना है ऊपर, तो नरक भी दिख जाएगा। ऊपर नहीं जाना, बता बता 360 नरक भी है भाई? नहीं नहीं 360, और अगर बात बोले तो 1080 भी घुमाऊं भाई। रास्ता देख लो एकदम नीचे खाई है, और अंधेरा होने लग गया है, बहुत खतरनाक हो गया है भाई। अंधेरा हो गया है, अभी भी 1.5 किलोमीटर रह गया हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा है। सोचो इस अंधेरे पे हम, यहाँ पे खाई है और इतना सा रास्ता है कि यहाँ पे सिर्फ एक दो बाइक निकल सकती है एक टाइम पे, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। पर आज डेडली हो गया सब कुछ, हो गया मैं खुद की शक्ल मेरे को नहीं दिख रही है भाई साहब, कुछ दिख रहा है कुणाल को लेके आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। अबे लाइट जला लेना, ये देखो थोड़ी सी फ्लैश लाइट भाई, टॉर्च जला गया, ये देखो भाई कुछ नहीं है। बहुत हॉरर हो चुका है आज का, बहुत हॉरर हो चुका है। यहाँ पे खाई है, आओ परो आओ, मुड़ गया वहाँ पे, रोने लग गई थी, थोड़ा पारस निकला तब जाके मैं चलने लायक बन पाई, वरना मैं। अंधेरा देख लो, अंधेरा इतना है, चांद आ चुका है और यहाँ पे ये बैठी है। अबे ठीक हो गया भाई, वो धीरे धीरे हो जाएगा, है भाई उसको सुन, कार में बैठेगी ना, पैरों की उंगली है ना जूतों के अंदर, ऐसे ऐसे करती रहेगी, ठीक है, उससे पैर एक्टिव रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी होटल जाके देख लेता होगा। कैसा लगा भाई? कुछ नहीं, ठीक था ट्रैक। और अब ठंड लग रही है? ठंड लग रही है यार, उसका दर्द का दर्द नहीं जा रहा उसका, देख अभी भी बोल रही है नहीं ठंड नहीं लग रही, पैर दर्द हो रहा है। और प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ, तो ये है कि हमारी जो दोनों गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में से थोड़ा धुआं निकल रहा है, दोनों में से धुआं निकल रहा है, एक में ब्रेक नहीं लग रही है और एक में धुआं लग रहा है। तो आज सब कुछ बहुत एडवेंचरस हो चुका है, पता नहीं क्या हो रहा है, अब देखते धीरे 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 जाएंगे हम, स्लोली स्लोली, बहुत धीरे जाना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं भाई, 2 घंटे लग जाए, नीचे हो रहा है, पहुंचना ही जरूरी, धुआं आ रहा था लिटरली। वो देख जॉयदीप की हालत देख, कभी जीवन में सब सब डर हुए हैं, सब डर हुए हैं, सब डर, हैंडल कर लेना उसने, कर ली भाई पैच। एक्चुअली आते हुए बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और जाते हुए बहुत ज़्यादा ढलान है, जिस वजह से गाड़ियाँ इतना ज़्यादा प्रेशर ले नहीं पा रही है, इस वजह से गाड़ी में से धुआं आ रहा है और ब्रेक नहीं लग रही है। थोड़ा ब्रेक ले लेके चल रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी पे ज़्यादा प्रेशर लोड ना हो जाए, तो ढाई 2 घंटे लग जाए, बट ब्रेक ले रहे हैं ताकि सब ठीक रहे, क्योंकि काफ़ी शुरू हो रहा है। भाई सामने आ रही है बस और हमको पीछे जाना है, हमारी गाड़ी पीछे नहीं जा पा रही, अगर गाड़ी से उतर जाए क्या हो रहा है, लोड कम हो जाएगा। हम सब गाड़ी से उतर गए हैं क्योंकि बस के लिए जगह नहीं थी, गाड़ी बैक नहीं हो रही और मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत।
एंड फाइनली ब्राउनी मेरा दर्द कम कर सकती है। ओके गाइस, हम पहुंच गए घर। बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, समझ रहे हो भाई क्या होगा, मेरे को लग रहा था पहुंचने नहीं वाले हम, तो बट पहुंच गए। बहुत ठंड हो गई है, बहुत ठंड लग रही है, कपड़े पहनने जा रही हूँ बाहर ऊपर। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स 360 डिग्री भी गए थे, तो ये 360 डिग्री का व्यू है, आप देख सकते हो इसको। ये है 360 डिग्री का व्यू। रात हो गई थी तो इतने अच्छे से नहीं दिख पाया, बट सनसेट वॉज वेरी गुड। रात को थोड़ी सी बॉनफायर करी थी हमने और खाना वाना खा के हम मतलब टाइम से ही सो गए थे, 3 बजे तक हम सो गए थे। लास्ट डे था तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं खास, बट मेरा पैर बहुत जोर की ट्विस्ट हो गया था, वो बहुत पेन हुआ था मुझे याद है। मैं पैर ट्विस्ट हुआ था, मैं बहुत तेज़ ही रोई थी, वो बहुत दर्द हो रहा था। वो तो बस गनीमत की बात है कि बस 500 मीटर चलना था मुझे, और अदरवाइज अगर पहले हुआ होता तो पता नहीं मैं कैसे वापस आती, कैसे जाती, क्या होता। अभी अभी भी दर्द हो रही है, सुबह हो चुकी है, निकलने का टाइम है, पैर अपना डिप करके बैठी हूँ मैं गर्म पानी में और काफ़ी पेन हो रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा मांस होने फट गया क्योंकि ना फूल गया है इस वजह से। अब हम कर रहे हैं निकलने की तैयारी, पैकिंग वगैरह सब कर ली है। तो जाने से पहले एक बार बोल रहे कि चाइनीज़ टेम्पल होते हुए जाएंगे, अगर वहाँ पे ज़्यादा चलना नहीं होगा तो मैं जा सकती हूँ, वरना मुझे गाड़ी में वेट करना पड़ेगा, या तो नहीं तो ये सारे कैंसिल ना कर दे अपना, तो देखते हैं उसके बाद घर के रास्ते में ही पड़ेगा। पहुँचते पहुँचते भी आराम से 12 बजे ही जाएंगे, अगर टाइम से चलें, टाइम से गाड़ी चलाएं। आते हुए टाइम लगे थे कि 2 घंटे का ब्रेक ले लिया था हमने इस वजह से। Finally, it's time to say bye to this beautiful property and this beautiful view. बहुत याद आएगा यहाँ पे सब कुछ, बहुत ज़्यादा याद आएगा। Guys, निकल चुके हैं अब यहाँ से। और भाई सब बढ़िया? सब बढ़िया। How is the Josh? How the Josh sir? Hi sir. Hi sir. तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और अभी हम करवा रहे थे क्या बोलते हैं वॉशिंग करवा रहे थे गाड़ी की, और टायर पंचर हो रखे थे हमारी गाड़ी के, तो वो करवा रहे थे। अब निकल गए हैं, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। हर शो साक्षी का व्लॉग मैंने टेक ओवर कर लिया, उनके वस्की नहीं हो रहा, साक्षी की टांग टूटी हुई है, मोटे की सांस फूल रही है, टांग टूटी हुई है, ओए गाली नहीं देनी इनके व्लॉग में शेर। ठीक है, बच्चे भी देखते हैं क्या? अब बच्चे नहीं देखते भाई इनके, अरे इनके नहीं, व्लॉग चल रहा है इनके, वो देखते हैं जो भुक्कड़ नहीं घूमते, उनको जगह चाहिए होती है ना। तो ये डैम है, ब्लॉगिंग कर रहा हूं ब्रो, देखो गाड़ी है ना पीछे बहुत हिलती है, तेज बहा था मेरे हिसाब से, इतना तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। बहुत प्रीती है ये, बहुत ही ज्यादा फॉग हो रहा है, बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है चंडीगढ़ में, हद से ज्यादा, मतलब दिख भी नहीं रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा विजिबल हुआ है पर आगे बहुत ज्यादा फॉग होने वाली है। तो हमने ली है टी ब्रेक हवेली में और बहुत ज्यादा फॉग हो रही है नो डाउट। ये मैं घर आ गई हूँ। एक्चुअली मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था पूरे रास्ते और धुंध भी बहुत हो रही थी, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, इसलिए मैं इतना अच्छे से व्लॉग भी नहीं कर पाई, बट ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत मुझे पता नहीं कितने टाइम तक अभी ट्रिप याद रहने वाला है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिप व्लॉग अच्छे लगे होंगे हमारे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार करना भाई, मेरी पैर टूटा हुआ है। ठीक है, बाय।